नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आज हम आपको बताने जा रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के किस प्रकार किसी भी आदमी के रूप में आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपन को देखो गूगल पे पीएम किसान निधि डालना है। पीएम किसान निधि डालने के बाद गूगल पर अपन सर्च करेंगे तो उसके बाद ये वेबसाइट दिखाई देगी अपन को। वेबसाइट ओपन करने के बाद सबसे पहले अपन फार्मर कॉर्नर लिख रखा है, फार्मर कॉर्नर पे जाना है। फार्मर कॉर्नर पर अपन को क्लिक करेंगे तो ये देखिए न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन अपलोड एडिटिंग बेनिफिशरी स्टेटस पे अपन को क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक करेंगे जैसे ही अपन इसके बाद देखिए जैसे ही अपन बेनिफिशरी स्टेटस पे अपने क्लिक किया उसके बाद ये खुलता है, ऑप्शंस खुलता है। इसमें आधार नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर। इसमें अपन अकाउंट नंबर से भी चेक कर सकते हैं आधार कार्ड नंबर डाल के। यहाँ अपना आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो उससे चेक कर सकते हैं। किसी के अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या फिर मोबाइल नंबर। तो अपन जब भी अपन को किसी के भी जो रुपए 6000 रुपए हैं या नहीं देखने चेक करने हैं तो सबसे पहले अपन मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे, आधार नंबर है तो आप आधार पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पर क्लिक किया उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डाल दो जिसके भी अपन को देखने हैं चेक करने हैं, मोबाइल नंबर डाल देंगे यहाँ पे। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट डाटा पे अपन को क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, जैसे अपन ने गेट नंबर मोबाइल नंबर डाले और गेट डाटा पर क्लिक किया तो जो भी डिटेल होती है फार्मर की पूरी नीचे आपके सामने दिखाई देगी। मोबाइल पे भी सेम ऐसे स्क्रीन जैसे अपन कंप्यूटर पे देख रहे हैं सेम वैसे ही ये कई प्रोसेस अपन मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए फार्मर का नाम दिखाई दे रहा है, मोबाइल नंबर, सारी जो भी उसकी डिटेल थी उसकी सारी ऐसे कैसे दिखाई देगी। फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्ट करने के बाद ही जो बैंक द्वारा उसके बाद ही अपनी जो होंगी किस्त इंस्टॉलमेंट जो होंगी दिखाई देंगे। इसके बाद देखिए ये जो किसान है इनकी देखिए जो सारी चार की चार किस्तें, चारों पूरी किस्त इनके ट्रांसफर हो चुके हैं, इनके खाते में पैसे आ चुके हैं। तो इस प्रकार अपन किसी भी जो भी अपने रिलेटिव हैं या कोई जानकार है उनके किसी के भी अपन जो होते हैं मोबाइल नंबर डाल के और अपन चेक कर सकते हैं कि उनके अकाउंट में अब तक कितने रुपए आ चुके हैं, कितनी किस्त उनके अभी तक आ चुकी है। सेम यही प्रोसेस कंप्यूटर में और सेम यही प्रोसेस जो होता है मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। मोबाइल पे गूगल पे पीएम किसान निधि डालेंगे उसके बाद फार्मर कॉर्नर पे जाके बेनिफिशरी स्टेटस पे जाके वहां पे अपन को मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालते ही देखिए सारी पूरी डिटेल ऐसे कैसे शो हो जाएगी अपने पास। ये देखिए सारी डिटेल देख करके 16 तारीख को जो होते हैं फर्स्ट आए, 17/4 को जो होते दूसरे इंस्टॉलमेंट आए, 1/5/2020 को इनकी तीसरे इंस्टॉलमेंट आई और 4/5 को जो होते चौथी आई थी 5 तारीख को। तो दोस्तों इस प्रकार अपन किसी भी व्यक्ति के जो होते हैं मोबाइल नंबर डाल के अपनी या दूसरों के जो होते हैं इंस्टॉलमेंट्स देख सकते हैं कि अब तक कितना जो पीएम किसान निधि के द्वारा अपन को रुपए मिल चुके हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।